पिन पे 6 फ्रेम पे मैं आपको एक कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। कुछ इस तरह से, जैसे कि आपके सामने है, इसमें ये कॉम्बो बॉक्स है, इसमें तरह ये USA, नाइजीरिया, ब्राज़ील, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें मैं प्राइस लिखूँगा 5000, मैंने जैसे लिखा, और मैं चॉइस USA, मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं कन्वर्ट का बटन दबाऊँगा, उसमें मेरे पास 524150, मेरे पास इसके डॉलर के प्राइस जो हैं वो कन्वर्ट करके आ जाएंगे। इसमें 3 बटन दिए हैं, कन्वर्ट का, रिसर्ट का और प्रोग्राम कैंसिल का। रिसर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सब गायब हो जाएगा, प्रोग्राम कैंसिल तो प्रोग्राम क्लोज। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इसी तरह का एक जे फ्रेम का एक नाम से बनाया हुआ है कन्वर्टर, उसमें करेंसी कन्वर्टर के नाम से जे फ्रेम है। अच्छा जी, इसमें वही लेबल है मेरे पास, जो लेबल लिया, उसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स, जो कि हमारे पास ये रहा हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लेबल, इसमें मैं प्राइस लिखूँगा तो जो USA में करूँगा तो यहाँ पर प्राइस शो हो जाएगी। उसके बाद 3 बटन दिए, कन्वर्ट, रिसर्ट और प्रोग्राम कैंसिल। सबसे पहले प्रोग्राम कैंसिल पे डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग कर देता हूँ। सिस्टम डॉट एग्ज़िट, इसको मैं 0 कर देता हूँ और उसको प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। 1 बटन का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, प्रोग्राम कैंसिल। दूसरे में हमारे पास क्या है, रिसर्ट, इस पर डबल क्लिक करके मैं, जो कि मैंने इसका वेरिएबल का नाम मैंने रखा है CMB, ये रहा CMB, और इसका मैंने नाम रखा है TX2, TX1 और TX3, TX2, CMB, TX1 और TX2। अब रिसर्ट पे आऊँगा मैं, CMB डॉट सेट सेलेक्टेड इंडेक्स 0 कर दूंगा मैं इसको, और TX1 डॉट सेट टैक्स, इसको मैं नल, इसको कॉपी, इसको यहाँ पर पेस्ट, इसको मैं TX2 कर दूँगा। ओके, कंट्रोल एस एंड मैं फाइल को रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं फोल लगा देता हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी लिखता हूँ और रिसेट करता हूँ, मेरे पास गायब हो जाएगा। अब सबसे पहले अब काम क्या करना है, कन्वर्ट का काम करना है। नहीं, अब सबसे पहले इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू डालनी है, जो कि कंट्रीज़ वगैरह की। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये मॉडल के नाम पे ये होगा ऑप्शन, इस पर जाके हम इसको मिटाएंगे। सबसे पहले चूज़ वन, ओके। सबसे उसके बाद हमारे पास आता है USA, उसके बाद मैं पाकिस्तान ले लेता हूँ, उसके बाद इंडिया ले लेता हूँ, इंडिया, ओके। उसके बाद मैं UAE, उसके बाद मैं, ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं अभी, वरना वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। 4 चीज़ें काफ़ी हैं हमारे पास। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, तो मेरे पास USA, पाकिस्तान, इंडिया, UAE। अच्छा जी, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ और सबसे ऊपर ये पब्लिक क्लास, इसके अंदर जाके मैं जो क्या नाम है करेंसी की जो वो वैल्यू है इनकी, वो सेट करूँगा। सबसे पहले मैं डबल USA इज़ इक्वल टू 112 रुपये रेट चल रहे हैं, 100 USA के पॉइंट में लगा देता हूँ, 9.010, ओके। इसको 4 टाइम पेस्ट करूँगा मैं। दूसरी वैल्यू मैंने पाकिस्तान लिखी थी, पाकिस्तान, पाकिस्तान की करेंसी में डाल देता हूँ, जो भी कुछ भी है, मेरे अभी थोड़ा आइडिया नहीं है करेंसी का। उसके बाद यहाँ पर है इंडिया, इसकी मैं अनशन डाल देता हूँ 15.10,
और उसके बाद हमारे पास तीस चौथी है यूएई। इसकी मैं डाल देता हूँ 52.98। ओके, हमारे पास ये चीज़ रेडी हो गई है। अब सबसे पहले आप इसके डिज़ाइन पे जाएंगे, कन्वर्ट पे डबल क्लिक करेंगे। अब सारा काम इस पे करेंगे हम। सबसे पहले डबल में एक वेरिएबल बनाता हूँ ब्रिटिश के नाम से, इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल। अब इसमें मैं जो नल लिखा हुआ है इसमें मैं कौन सी वैल्यू डालूँ, इसमें मैं यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू लिखूँगा उसका वेरिएबल डालूँगा जो है TX1। TX1 डॉट गेट टैक्स। उसके बाद मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ CMB जो कि मैंने कॉम्बो बॉक्स की वेरिएबल का नाम दिया CMB डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल है हमारे पास किसके, USA। तो स्ट्रिंग मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग C1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पर मैं लिखूँगा USA का डॉलर का निशान, परसेंट 0.2F, और यहाँ पर मैं ये ब्रिटिश को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा मल्टीप्लाई बाय USA जो कि मैंने ऊपर वैल्यू दिए ये USA सेमी कॉलम। उसके बाद किस में सेट करनी, इसमें जब कन्वर्ट करूँ तो ये वैल्यू इसमें सेट हो जाए, तो इसका वेरिएबल का नाम हमने TX2 रखा था, तो TX2 डॉट सेट टैक्स C1 ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद फाइल को रन करके चेक करते हैं, 5000 प्राइस USA कन्वर्ट 560500, ये हमारे पास वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब इसमें पाकिस्तान इंडिया UAE रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे हम, इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा पाकिस्तान और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पाकिस्तान पर वैल्यू के लिए थी मैंने पाकिस्तान की, ये रही पाकिस्तान। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा इंडिया, यहाँ पर भी आएगा USA की जगह इंडिया, यहाँ पर आएगा UAE, और यहाँ पर भी आएगा UAE जो कि मैंने ऊपर वैल्यू सेट करी। हमारे पास काम कंप्लीट हो गया, इस फाइल को रन करते हैं। 5000 USA कन्वर्ट, उसके बाद पाकिस्तान में जा रहा हो कन्वर्ट हो गया, इंडिया में कन्वर्ट हो गया और UAE में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप नेट से करेंसी, सही वाली करेंसी को आप सेट कर सकते हैं, इसमें तो मैंने अलग अलग करेंसी दे दी, तो ये प्रोग्राम रिसेट भी हो जाएगा कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोग्राम बन गया है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे कि फ़िलहाल के तौर पर किसी ने चॉइस वन पे 500 लिखा कन्वर्ट करा तो अब कुछ नहीं हो रहा, तो इस पर भी हम एक दे देते हैं वैलिडेशन। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ शुरू की और उसको सबसे एंड में मैं पेस्ट कर देता हूँ,
इसमें आगे मैं एस लगा देता हूँ ताकि वेरिएबल का नाम चेंज हो जाए। उसके बाद सेम ये एक जैसा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चॉइस, जो कि मैंने चॉइस वन, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो ऑप्शन डॉट शो मैसेज, शो मैसेज डायलॉग दिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट कंट्री। ओके, अब इस फाइल को रन करता हूँ मैं। अब ये मैंने चॉइस वन जैसे रखा हुआ, मैंने 5000 मैंने जैसे रखा और मैं कन्वर्ट करा तो मेरे पास अभी आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? चॉइस वन, चॉइस वन, अच्छा 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 सॉरी सॉरी, यह चीज़ मुझे लेनी होगी, लाजमी सी बात है। चॉइस वन मैंने नाम सही रखा है, CHOOSE1 चॉइस वन। ओ सॉरी, ये वन जो है वो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्मॉल में वो होना चाहिए। अब इसको मैं रन करता हूँ फाइल को। अब चॉइस वन, अब मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू डालूँ कन्वर्ट करूँ, मेरे पास मैसेज शो हो जाएगा सेलेक्ट कंट्री। अब इसमें आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करो आपके पास वेरिएबल सही तरह से आ गया। सो वीडियो मैंने बहुत, आप लोग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी बहुत आगे फैलाएं। थैंक यू वेरी मच।